सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां पे तूफान आया है। तो बच्चों देखो, हमने मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ा ही है। ये जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के, ये सब क्वांटिटी कैलकुलेशन की इनका जगह जगह यूज होता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि गैस दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। फिजिकल केमिस्ट्री में जहां जहां एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं तुम्हें पेज नंबर के साथ बता दूंगा कि यहां से एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है जो हमें याद है। उस रिलेशन को कहा जाता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पे तीन वेरिएबल अगर दिए हैं, चौथा वेरिएबल पूछा गया है, तो वो तुम्हारे फर्स्ट केस के क्वेश्चन है जहां पे तीन वेरिएबल की वैल्यू रखोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी में, आर गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखोगे, चौथा वेरिएबल निकल का है। A bubble of air is under water at a temperature this, pressure this. If the bubble rises to the surface where the temperature is this, pressure this, what will happen to the volume? That is all about Dalton's law. इसको use करने का वही है कि अगर तुम इसको directly याद कर लेते तो तुम्हारा थोड़ा time बच जाएगा। जब कह रहे हैं एक पार्टिकल के पास इतनी, तो 10 पार्टिकल के पास 10 से इंटू हो जाएगा, 5 पार्टिकल के पास 5 से इंटू हो जाएगा, है ना? तो टोटल के लिए n मल्टीप्लाइड बाई 3/2 kBT। या हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल के अट्रैक्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, पार्टिकल इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वहां पे अट्रैक्शन मैटर नहीं करेगा। सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां पे तूफान आया है। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, मैं कमल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी सारांश के एक और लेक्चर में। आज हम लेके आए फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक और लेक्चर जहां पढ़ा जाएगा गैशियस स्टेट के बारे में। तो बच्चों देखो, हमने मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ा ही है। ये जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के, ये सब क्वांटिटी कैलकुलेशन की इनका जगह जगह यूज होता है। और गैस स्टेट एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि हम गैशियस पे ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम गैशियस पे ही वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, हम गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम लॉस पढ़ते हैं KCKP। तो इस वजह से गैसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फॉर केमिस्ट्री डिस्कशन। तो आज हम गैस की बात करेंगे। और यहां पे आप लोगों को पता होगा कि गैस दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। आइडियल गैस एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन समझ लो जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे हम एक्सपेरिमेंटल चीजों को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे मेन फोकस रहेगा। और रियल गैस गैस की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती है, जो गैसेस हमारे आस पास हैं उनमें एग्जैक्टली क्या क्या बिहेवियर मिल सकता है, वो सेक्शन रियल गैस का है। तो इस चैप्टर से बात करें तो रियल गैस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन, उसका यूज ज्यादा है आगे आने वाले चैप्टरों में। तो दोनों को समझेंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक से कि गैस क्या होती है, गैस की बेसिक प्रॉपर्टी पहले एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर गैस पे जाएंगे। और बता दूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तो गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि फिलहाल के लिए इतने कम है कि हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, जीरो। जीरो होते नहीं है, बस हमने एज्यूम कर लिया। गैसेस का मास तो डेफिनेट होता है लेकिन वॉल्यूम इनडेफिनेट होती है। दैट मींस गैस को तुम जिस भी कंटेनर में भरोगे गैस के पार्टिकल इतने दूर चले जाएंगे कि वो उस कंटेनर के साइज को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी अगर गैस को मैं 5 लीटर के कंटेनर में भर दूं तो गैस की वॉल्यूम 5 लीटर, गैस को मैं 500 लीटर के कंटेनर में सेम गैस को भर दूं सेम प्रेशर टेम्परेचर पे, तो वहां पे गैस का वॉल्यूम उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। गैसेस के अंदर हर डायरेक्शन में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी गैसेस के पार्टिकल पे ग्रेविटी काम नहीं करती है। सोचो ग्रेविटी काम करती तो क्या होता, हमारा जो एटमॉस्फेयर जिससे हम सांस ले रहे हैं वो सब नीचे बैठा होता, ऐसे झुक झुक के सांस लेनी पड़ती। सब एटमॉस्फेयर पर अगर ग्रेविटी काम कर जाती पूरा एटमॉस्फेयर जमीन पर लेटा जाता। अब क्या करते, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जमीन पर है तो हम जमीन पर रेंग रहे होते। तो अच्छी बात है कि गैसेस हर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और गैसेस के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है। गैसेस के बीच में पार्टिकल सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो इन जनरल गैसों की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जब हम बाहर से दबाव लगाएंगे, बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो वहां पे साइज घटेगा। तो गैसेस के लिए ये चेंज काफी ज्यादा होता है या सिग्निफिकेंट चेंज होता है। सॉलिड या लिक्विड पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो इतना चेंज नहीं हो पाएगा। और गैसेस की अच्छी बात यह है कि गैसेस को कोई भेदभाव नहीं है,
ये सीधे सीधे जिस भी रेशियो में तुम दो गैसों को मिलाओगे वो हर तरह से मिल जाएंगे, यानी गैसेस हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, गैसेस गैसेस मिलके कभी भी कोलाइडल या गैस और गैस मिलके कभी भी सस्पेंशन नहीं बनाएंगे, गैसेस हमेशा होमोजीनियसली हर एक रेशियो में मिल जाते हैं बिना किसी मदद के। इतनी अच्छी दोस्त है सारी गैस कि ये बिना किसी मदद के मिल जाते हैं। अब बच्चों आगे इस चैप्टर में समझेंगे स्टेट वेरिएबल में आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि आइडियल गैस इक्वेशन एनसीईआरटी के फ्लो में काफी आगे आता है, लेकिन एक बार इसको समझ लेंगे तो हमें एनसीईआरटी में काफी सारी चीजें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। देखो समझो, सबसे पहले स्टेट वेरिएबल क्या है, ऐसे वेरिएबल जो किसी स्टेट को, जैसे गैसियस है तो हर गैस एक जैसी तो नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा, कोई छोटे कंटेनर में है, कोई बड़े कंटेनर में, कोई ज्यादा प्रेशर पे है, कोई गर्म है, कोई ठंडी है, सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो उन अंतर को समझाने के लिए वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं। जैसे लिक्विड स्टेट के वेरिएबल अलग होंगे, सॉलिड स्टेट के वेरिएबल अलग होंगे और गैसियस स्टेट के वेरिएबल अलग हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं हमारे सामने, चार वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड टेम्परेचर। अगर तुमने पहले दो वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी आगे की थ्योरी को समझना। देखो मैं पहले ही बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, खासकर से ये शुरुआत के चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री में जहां जहां एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं तुम्हें पेज नंबर के साथ बता दूंगा कि यहां से एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की इतनी ही जरूरत है एग्जाम्पल्स और कुछ थोड़ी बहुत बातें याद रखने की। तो ज्यादा बातें हमें डेफिनेशन समझनी है ताकि हमें लॉन्ग टर्म में उन चीजों को यूज कर सके। डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, यूज करनी होगी। तो प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे सपोज हमारे पास एक गैस है, एक बड़े से कंटेनर में एक आइडियल गैस है, ठीक है। अभी बात करेंगे आइडियल और रियल गैस में अंतर क्या होता है, बट लेट्स से एक बड़े से कंटेनर में हमारे पास बच्चों आइडियल गैस है, जिनके बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है। आइडियली हम मान के चल रहे हैं कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, यानी कि देखो जो गैस के पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। मतलब एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो, अभी से एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां लाखों करोड़ों लोग हैं और किसी को कोई दूसरा पर्सन ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कोई मतलब है, कोई प्यार मोहब्बत दुश्मनी कुछ नहीं है, सिर्फ लाखों करोड़ों लोग एग्जिस्ट करते हैं जो एक दूसरे को ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना एक दूसरे से कोई मतलब रखते हैं। वो गैस है, वो हमारी गैस है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग डेली इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव करेंगे तो कोलिजन होगा, टकराएंगे, फिर भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाएंगे, टकराएंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि कोई एक पर्सन घूमते घूमते दुनिया के किनारे पहुंच गया, दुनिया के एंड पे पहुंच गया और एंड पे जो बैरियर है उससे टकरा के वापस आ गया। तो मैट्रिक्स मूवी देखी ना, कुछ कुछ वैसा होने वाला है, मैट्रिक्स मूवी जैसा, किसी को पता नहीं अगल बगल क्या हो रहा है। तो जब ये टकरा के वापस लौटेगा तो यहां पे मोमेंटम में चेंज आएगा, और जहां भी मोमेंटम में चेंज आ गया वहां पे फोर्स आएगा, जहां भी मोमेंटम में चेंज आ गया वहां पे क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाते हैं, तो पर यूनिट एरिया जो भी फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम डिफाइन करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, जिसकी अलग अलग यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल पास्कल, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, जो लगभग 1.013 × 10⁵ पास्कल्स होता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर, 1 bar, लगभग इतना ही माना जाता है, 1 atm और 1 bar अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। mm ऑफ hg, जहां पे हम हाइट में मर्करी या किसी भी लिक्विड की हाइट में प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, तुमने पढ़ा होगा एक थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर इज इक्वल टू hρg, पढ़ा है ना, जिस पे हाइड्रोलिक्स भी काम करते हैं। तो हम प्रेशर को किसी लिक्विड की हाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस इतनी हाइट का लिक्विड अपने बॉटम पे इतना प्रेशर लगाता है, तो वही हमारे पास 1 atm is 760 mm of mercury। हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी हम
वेरिएबल पढ़ रहे हैं उनकी यूनिट्स क्या है, क्योंकि यूनिट्स के बेसिस पे भी नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसआई यूनिट कौन सी है? पास्कल। नाउ द सेकंड थिंग इज वॉल्यूम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर और वॉल्यूम को समझना, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यही सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दिक्कत भी यही है, सोल्यूशन भी यही है। वॉल्यूम का मतलब क्या है ध्यान रखना, जब भी हम बोलते हैं गैस की वॉल्यूम, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा हम हमेशा ये बोलते हैं कि गैस के पार्टिकल के पास अवेलेबल वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि सालों से बच्चे ये सुनते आते हैं 9th, 10th, 11th में कि गैस की वॉल्यूम मतलब कंटेनर की वॉल्यूम। थोड़ा बहुत सही भी है और थोड़ा बहुत गलत भी है ये बात। ये कहना कि गैस की वॉल्यूम उस कंटेनर की वॉल्यूम है जिसमें गैस रखी गई है, ये थोड़ा बहुत सही भी है लेकिन गलत भी है साथ साथ। हमेशा हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो ये दिखाता है कि गैस के पास कितनी जगह खाली है, कितना स्पेस अवेलेबल है मोशन करने के लिए। क्या करने के लिए? मोशन करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम में से, उस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम में से हम माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? माइनस कर देते हैं वो जगह जो ऑक्यूपाइड है, यानी जहां पे गैस के पार्टिकल होंगे उस जगह को माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर ये पार्टिकल जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, मान लो इतनी जगह, मान लो तुम क्लासरूम के अंदर गए, क्लासरूम के अंदर गए, अब तुम जहां बैठ गए उस बेंच पे तो कोई और नहीं बैठ पाएगा ना, तो वो ऑक्यूपाइड जगह होगी। लेकिन गैस वाली दुनिया में क्या है, एक तो उनको आपस में एक दूसरे मतलब नहीं है, एक इंसान जहां बैठा है दूसरे इंसान को फील भी नहीं होगा, वो उसके ऊपर भी बैठ जाएगा, वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, दूसरा इंसान आके उसके ऊपर बैठ सकता है। यानी गैस के पार्टिकल को मान लिया जाता है कि वो कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करते। ये हमारी आइडियल वर्ल्ड है, रियल में थोड़ा सा अंतर आने वाला है, समझ रहे हो ना। आइडियली हम क्या मान रहे हैं कि दुनिया एक ऐसी जहां पर बहुत सारे लोग हैं इधर उधर घूम रहे रैंडमली, किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना इधर उधर डायरेक्शन में घूम रहे। बट रियल में लेना देना होगा, रियल में मतलब होगा, रियल में बेंच पे तुम बैठ गए तो कोई दूसरा आके नहीं बैठ पाएगा। बट आइडियली हम क्या मान रहे हैं कि जगह भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। तो आइडियली आइडियली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी हो जाती है? जीरो। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जीरो है, इस वजह से हम ये बोलते आए हैं बचपन से कि किसी भी गैस की वॉल्यूम उसके कंटेनर की वॉल्यूम होती है। लेकिन कब तक? जब तक हम आइडियल सिनेरियो में। वॉल्यूम के एसआई यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम की और यूनिट जैसे लीटर, एक लीटर में 10^-3 मीटर क्यूब, या फिर ml सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 ml इज इक्वल टू 1 centimeter क्यूब एंड रेस्ट ऑफ देम। ये तो सिंपल सी बातें हैं। मोल का मतलब, मोल का मतलब, मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैस की क्वांटिटी को। तो जब तक किसी कंटेनर में गैस लीक आउट ना हो या गैस को भरा ना जाए, तब तक मान के चलेंगे क्वांटिटी ऑफ गैस इज नॉट चेंजिंग, क्वांटिटी ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट। एंड टेम्परेचर तुम सबको पता है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इन्वायरमेंट कितना हॉट है या कितना ठंडा है, इस बात को बताते हैं टेम्परेचर से। और टेम्परेचर में पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूनिट, जिसको हम केल्विन में बताते हैं। तो जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर वहां पे केल्विन में है। तो ये चार स्टेट वेरिएबल समझ लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इन चार वेरिएबल से ही हम किसी गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। यानी अगर मैं बता दूं कि गैस इस प्रेशर, इस वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पे इतनी गैस है, चार बातें बता ले गया गैस के बारे में, तो यानी मैंने उस गैस को डिफाइन कर लिया पूरी तरह से, उस गैस की स्टेट को डिफाइन कर लिया। अब उसमें और कुछ बताने के लिए नहीं बचता है, आइडियली, हर बार आइडियली। तो इन चारों के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कहा जाता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन, जो इन चारों के बीच में रिलेशन दे देता है। तो अब क्या हो गया, अब तीन ही बताने, और आसान हो गया काम।
पहले चार बताने थे, अब तीन ही बताने, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर वॉल्यूम मोल बता दिया तो इस इक्वेशन से आर टी निकल आएगा, अगर मैंने वॉल्यूम मोल टेम्परेचर बता दिया तो इस इक्वेशन से पी निकल आएगा। तो चार में से तीन अगर पता चल गया तो चौथा हम हमेशा फिक्स मानेंगे। तो मिनिमम कितने बताने हैं? तीन। टोटल कितने बताने हैं? चार। मिनिमम कितने बताने हैं? तीन वेरिएबल। टोटल कितने बताने हैं? चार वेरिएबल। व्हाट इज आर? आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर को हम क्या कहते हैं? आर को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू गैस टू गैस तो चेंज नहीं होगी लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 1/12 रखोगे तो चीजें थोड़ी आसान मिलेंगी, चीजें थोड़ी आसान मिल जाएंगी। 0.0821 एटीएम लीटर, यानी जब प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, तब आर की ये वाली वैल्यू लेंगे। 0.0831 जब प्रेशर बार में है, थोड़ा सा चेंज होता है, मोल केल्विन, तो इसको भी लगभग 1/12 रखोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। दिस इज अवर एसआई यूनिट, 8.31 जूल। एसआई यूनिट में प्रेशर भी एसआई में, वॉल्यूम भी एसआई में, सब कुछ एसआई, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो इसको भी तुम चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 100/12 रखोगे, चीजें आसान रहेंगी, चीजें आसान रहेंगी। और प्रेशर की चौथी, सॉरी आर की चौथी यूनिट गैस कॉन्स्टेंट की, विच इज कैलोरी, जो हम आगे थर्मोडाइनमिक्स में यूज करेंगे, तो ये होता है 1.97 कैलोरी पर मोल केल्विन। इसको भी अगर अप्रोक्सीमेटली 2 रखोगे तो चीजें आसान रहेंगी, चीजें क्या रहेंगी? आसान रहेंगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सारी चीजों के सोल्यूशन आते हैं। ये हो गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इसी में थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं लिख सकता हूं पीवी बराबर एन की जगह मास बाय मोलर मास आरटी? तो यहां से आ जाएगा पी एम बराबर डब्ल्यू बाय वी विल बी डेंसिटी, है ना, डब्ल्यू बाय वी आरटी। एंड मास बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी, राइट? मास बाय वॉल्यूम कैन बी डेंसिटी। तो इन दैट केस इसी इक्वेशन का एक और वर्जन है हमारे पास, प्रेशर इंटू मास बाय वॉल्यूम, प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी। क्योंकि मोलर मास वाला मोल जो है वो हमेशा ग्राम में रहता है, इसको हमेशा लीटर में रखेंगे, तो डेंसिटी को ग्राम पर लीटर, विच इज अ वेरी अनकॉमन यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी या तो हम ज्यादातर ग्राम पर एमएल में रखते हैं, या फिर डेंसिटी हम ज्यादातर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखते हैं। ग्राम पर लीटर इज नॉट वेरी यूजुअल यूनिट, दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी तुम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी वाले क्वेश्चन करोगे, मिलेंगे दो चार, बहुत कम है, बहुत 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 कम, दो चार क्वेश्चन, वहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा यूनिट का, आर लीटर वाली यूनिट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, आर लीटर वाले के रखा जाएगा, तो प्रेशर भी उसी अकॉर्डिंग। ये दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन है, बोथ ऑफ दीज आर आइडियल गैस इक्वेशन, बस अलग अलग फॉर्मेट है। मतलब जो काम मैं तुम्हें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए सिखाने जा रहा हूं, सेम वही काम तुम पीएम इज इक्वल टू डीआरटी या रो आरटी के लिए भी कर सकते हो। जो काम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हो सकता है, वही सेम काम पीएम इज इक्वल टू रो आरटी से हो सकता है। आर इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल मीन्स Which does not change from gas to gas. Gas बदलने से R नहीं बदलेगा, बदलेगा कब? जब तुम क्या बदल दोगे? यूनिट को। अब समझो, हम कुछ आइडियल अप्रोक्सीमेशन की बात कर लेते हैं, ये तुम्हें हेल्प करेंगे PV is equal to NRT को यूज करने में और समझने में। सबसे पहले गैस के सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। तो अब जो दुनिया तुम्हें सब बताई थी ना, जो हमने आइडियल दुनिया बनाई थी, उसमें एक और मॉडिफिकेशन, सबके चेहरे गायब है, किसी का चेहरा नहीं है, सब बिना चेहरे के घूम रहे हैं, सबके चेहरे गायब, यानी हर इंसान एक जैसा लगता है।
और दुनिया में कपड़ों की एक ही दुकान है, सब वहीं से कपड़े लेते हैं, वो एक ही तरह के कपड़े सिलता है, जैसे हमारे है ना मार्क ज़करबर्ग जो एक ही तरह की टी शर्ट पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी इस आइडियल दुनिया में सारे लोग बिना चेहरे के एक जैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, यानी सबके सब एक जैसे हैं, सबके सब बहुत छोटे हैं दुनिया के हिसाब से, कि इनकी खुद की वॉल्यूम को तुम इग्नोर कर सकते हो, इनकी खुद की वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो, इनके बीच में आपस में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। इनको एक दूसरे की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब चेहरा ही नहीं है, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के आसपास है भी या नहीं है। तो दुनिया ऐसी है जहां पे लोग बिना चेहरे के एक जैसे कपड़े पहन के उस दुनिया में रैंडमली घूम रहे हैं, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो इसका क्या मतलब है, ये डाल्टन फॉर्म में तुम्हें समझ में आएगा इस बात का मतलब क्या है जो मैंने लिखी, अभी फिलहाल नहीं बताएंगे। फिलहाल हमारे सामने तीन केस में क्वेश्चन आते हैं। पहला केस होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें क्या है कि तुम्हें कोई भी तीन बातें दे दी गई, ऐसे क्वेश्चन नीट में कम आते हैं, तुम्हें कोई भी तीन बातें दे दी, सपोज प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, और तुमसे चौथा पूछ लिया जाए, यही वो केस है जहां पे तुम्हें आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पे तीन वेरिएबल अगर दिए हैं, चौथा वेरिएबल पूछा गया है, तो वो तुम्हारे फर्स्ट केस के क्वेश्चन है जहां पे तीन वेरिएबल की वैल्यू रखोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी में, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे, चौथा वेरिएबल निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट है दूसरा, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो पी वन वी वन डिवाइडेड बाय एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन टू टी टू। यानी कि अगर गैस अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग गैसेस हैं, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा कहा जाए कि गैस का प्रेशर इतने से बढ़ा के इतना कर दिया, वॉल्यूम कितनी घटेगी बढ़ेगी, तो वहां पे हम इस टाइप की इक्वेशन को यूज करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरे को बोलते हैं कंजर्वेशन। ये कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब ब्रह्मास्त्र है ये तुम्हारा, इसे हमेशा तो मत चलाना, लेकिन जहां भी तुम्हें लगे कि अब पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारे पल्ले से बाहर जा रही है, एक बार ब्रह्मास्त्र चला के देख लेना। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है कि हम कह सकते हैं कि गैस अगर लीक नहीं हो रही है तो टोटल मोल्स जो है, जो गैस की क्वांटिटी है, वो कंजर्व रहेगी। इसमें चाहे एक गैस है तो भी, चाहे बहुत सारी गैस है तो भी, कि सबके लिए मोल्स को क्या लिख सकते हो, पीवी बाय आरटी, तो पी वन वी वन बाय आरटी वन, पी टू वी टू बाय आरटी टू इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल बाय आरटी फाइनल। तो इस तरह से तुम मोल को कंजर्व कर सकते हो, मोल को कंजर्व कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सिखाता हूं, फिर इसको बताऊंगा। देखो मतलब नीट में पीवी इक्वल टू एनआरटी पे हाई टू हाई सबसे ज्यादा ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहां पे मान लो एक दो कंटेनर है जो एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम के कंटेनर से ट्यूब से आपस में कनेक्टेड है, एक में हीलियम गैस है एक में नियॉन गैस है। हीलियम गैस सपोज 2 एटीएम प्रेशर पे है, नियॉन गैस सपोज 4 एटीएम प्रेशर पे है। हीलियम गैस वाली साइड में वॉल्यूम लेट्स से 2 लीटर है, नियॉन गैस वाली साइड में लेट्स से वॉल्यूम 3 लीटर है। पहले केस में, पहले केस में मैं यहां भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मान रहा हूं और यहां भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मान रहा हूं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, देखना, अगर मुझसे कहा जाए कि जैसे ही वॉल्व हटाया गया, जैसे ही वॉल्व हटाया गया इसके बाद हीलियम का प्रेशर कितना होगा, तो जब मैं हीलियम की स्टडी कर रहा हूं, हीलियम को नियॉन नहीं दिखेगी, नियॉन को हीलियम नहीं दिखेगी, सब एक जैसे दिखते हैं, हमें सब एक जैसे दिखते हैं। तो जब मैं हीलियम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ हीलियम को देख रहा हूं, ये नियॉन हो चाहे ये कंटेनर खाली हो चाहे कंटेनर वैक्यूमेटेड हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हीलियम को देख रहा हूं। यानी वॉल्व हटाने के बाद क्या होगा कि हीलियम गैस इन दोनों कंटेनर में फैल जाएगी,
क्यों फैलेगी? क्योंकि एक तरफ से प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ से प्रेशर कम है। गैस हमेशा किधर से किधर जाएगी? हाई पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का वर्ड मतलब गैस का खुद का प्रेशर। तो जब भी हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर देखेंगे, क्योंकि जिस भी गैस की बात है उसके लिए बाकी सारी गैसेस एब्सेंट हैं। तो एक अकेली गैस के प्रेशर को ही बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। तो गैस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से किधर की तरफ फ्लो करेगी? लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसे जिधर प्रेशर ज्यादा उधर फोर्स ज्यादा, जिधर प्रेशर कम उधर फोर्स कम। तो अगर मैं इधर से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, इधर से कम फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं इधर की तरफ खिसक जाऊंगा। कब तक फ्लो करेगी? जब तक उसका खुद का प्रेशर, दूसरे से मतलब ही नहीं, खुद का प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। जब तक उसका खुद का प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, तो हीलियम का फ्लो जब तक हुआ होगा, इधर भी पी हो गया, इधर भी पी हो गया। देखो यहां पे मैं मोल कंजर्वेशन कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, समझो हीलियम के लिए बात करूं तो हीलियम के लिए पी वन वी वन बाय आर टी वन, आर क्यू एन वन टी वन बराबर पी टू वी टू बाय एन टू टी टू, पी टू वी टू बाय एन टू टी टू। पहली बात, कंटेनर में कोई लीकेज नहीं है, तो एन एन कट गया। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 27 अभी भी टेम्परेचर कट गया। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन मेथड। जब भी तुम्हें लगे गैस की दो अलग अलग स्टेट बोली गई, चाहे एक ही गैस के लिए चाहे अलग अलग गैस के लिए, तब तुम ये इक्वेशन लगा सकते हो, ये इक्वेशन लगा सकते हो। हीलियम का पहले प्रेशर कितना है? 2। हीलियम का पहले प्रेशर कितना है? 2। बाद में पहले वॉल्यूम कितनी है? 2। बाद में हीलियम का प्रेशर हो गया पी, बाद में वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अब देखो हीलियम वाली गैस पूरे कंटेनर में फैल गई ना। तो अब हीलियम को जगह कितनी मिली घूमने के लिए? 2 लीटर ये भी मिला, इधर खाली तो नहीं होगा, और 3 लीटर ये भी मिला, तो जगह मिली 5 लीटर। तो अब कंटेनर को खोलने के बाद हीलियम का प्रेशर हो गया 4/5। कितना हो गया? 4/5, 0.8। तो हीलियम का प्रेशर 2 atm से घटके हो गया 0.8 atm। सेम ऐसे नियॉन के लिए सॉल्व कर सकते हो, अज्यूमिंग हीलियम टू बी एब्सेंट, अज्यूमिंग हीलियम टू बी एब्सेंट। और अगर मैं यहीं पे एक और तरीका सिखा दूं, देखो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो हीलियम के मोल्स हैं वो कंजर्व्ड रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। देखो पहले हीलियम सिर्फ यहां थे, तो हीलियम के मोल हो जाएंगे P1 V1 कितना है? बाय R T1। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, 273 ऐड कर दो 300 केल्विन। बाद में देखो, बाद में हीलियम यहां भी है यहां भी है, तो कह सकता ना यहां और यहां के जो टोटल मोल्स हैं वही टोटल मोल्स यहां पे होंगे। ये कह सकता नहीं कह सकता हूं कि मोल टोटल सेम रहेंगे, इससे थोड़ी हीलियम इधर गई, यहां पे कम हुए यहां पे ज्यादा, लेकिन टोटल हीलियम तो नहीं रहेगी। तो पहले इधर के लिए ले लो प्रेशर पी, इधर की वॉल्यूम कितनी है? इधर की वॉल्यूम है 2 लीटर, इधर का टेम्परेचर कितना है? 300 प्लस, इधर आ जाओ, इधर का प्रेशर बीपी है, प्रेशर तो दोनों तो सेम रहेगा हीलियम का, वॉल्यूम 3 लीटर, टेम्परेचर कितना है? 300। अब यहां से भी सॉल्व करोगे पी कॉमन लोगे, आंसर तो 4/5 ही आना है, आंसर तो 4/5 ही आना है। तो जो हम कंपैरिजन कर रहे थे सेम वही काम हम मोल कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। फायदा क्या है? कंपैरिजन में बाद वाला टेम्परेचर T2 आया। सोचो अगर इन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर अलग अलग होता, तो क्या मैं यहां पे T2 का फाइनल टेम्परेचर बोल पाता? जो इनिशियल है उतना ही होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि यहां का टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहां का टेम्परेचर 400 केल्विन और फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। अब मैं जब P1 V1 by N1 T1 is equal to P2 V2 by N2 T2, जब मैंने V2 रखा तो मैंने V2 इन दोनों को जोड़ के रखा 5 लीटर, तो मैं टेम्परेचर कौन सा रखूंगा? टेम्परेचर तो जुड़ता नहीं है। तो ये वाला मेथड ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जहां पे टेम्परेचर अलग अलग हो गया दोनों कंटेनर का, तो अब मैं T2 में कौन सा टेम्परेचर रखूं? लेकिन जो मोल वाला है वो अभी भी काम आएगा, P1
V1 by RT1, P V1 by RT1 plus P V2 by RT2. क्योंकि इस बार देखो V1 वाली वॉल्यूम वाले का टेम्परेचर T1 अपने साथ है, V2 वॉल्यूम का टेम्परेचर अपने साथ है. यहां पे दोनों वॉल्यूम मैंने जोड़ दी थी तो दोनों टेम्परेचर को जोड़ा नहीं जा सकता, टेम्परेचर एडिटिव नहीं है, टेम्परेचर को एड नहीं कर सकते, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नहीं होती. तो यहां पे ये कंजर्वेशन वाला मेथड ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा फायदा देगा, कंजर्वेशन वाला मेथड ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा फायदा देगा. तो हमें PV = nRT को कैसे यूज करना है वो बात समझनी है कि PV = nRT को यूज करने के हमारे सामने तीन तरीके हैं. हर बार कभी भी ये मत सोचो कि कौन सी गैस है क्या चीज है. हर बार जैसे देखो ये 10 ग्राम ऑफ अ गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर कूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट इट्स प्रेशर वुड बिकम. दो स्टेट की बात हो रही है, दो कंपैरिजन की बात हो रही है. P1 V1 by N1 T1 P2 V2. जब तक टेम्परेचर में यूनिफॉर्मिटी है हमेशा इसको यूज कर सकते हो. इसको सिर्फ एक ही बार में यूज नहीं कर पाओगे जहां पे टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है. जहां पे टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग टेम्परेचर, वहां पर तुम एक सिंगल टेम्परेचर की वैल्यू नहीं ले पाओगे. तो जहां भी टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है वहां पे ये चीज यूजलेस हो जाएगी, वहां पे ये चीज यूजलेस हो जाएगी, वहां पे कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा. देखो 10 ग्राम गैस लेकिन कहीं बदलने की बात नहीं हुई तो मोल कैंसिल हो गए, टेम्परेचर बदल रहे, वॉल्यूम बदलने की बात नहीं है, वॉल्यूम कैंसिल. तो जो भी नहीं बदल रहे वो कैंसिल, तुम्हारे सामने अपने आप लॉ बन जाएगा. P1 कितना है 180, T1 कितना है इसको केल्विन में बदलोगे 546, 273 आर टी. तो P2 हमें निकालना है, T2 कितना है 0 को केल्विन में बदलोगे 273, तो P2 कितना आ गया, कूल किया गया ना, हाँ P2 कितना आ गया 1/2 या 0.5 atm. तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1/2 atm. तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से. सेम क्वेश्चन तुम डेंसिटी और मोलर मास के डिपेंडेंस वाले कर सकते हो, सेम क्वेश्चन तुम PV = nRT वाले भी कर सकते हो. बस कंपेयर किए जाओ आगे बढ़े जाओ, कंपेयर किए जाओ आगे बढ़े जाओ. जैसे एक और क्वेश्चन चलो दिखा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन. अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वॉटर एट अ टेम्परेचर दिस प्रेशर दिस, इफ द बबल राइजेस टू द सर्फेस वेयर द टेम्परेचर इज दिस प्रेशर दिस, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम. एयर का कोई बबल है, डायग्राम से सोचो, एयर का कोई बबल है जो यहां पे है, यहां से राइज करके यहां आ रहा है. बबल तो बबल है, बुलबुला फूटा तो नहीं, बुलबुले के अंदर की हवा तो कम ज्यादा हुई नहीं, तो यानी बुलबुले के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2. बस समझ जाओ कहां पे क्या यूज करना है या क्या वैल्यूज रखनी, बस हमारा काम हो गया. P1 दिया है प्रेशर 1.5 बार, ये P1 हो गया. V1 दिया है, V1 के टर्म्स में बताना है, N1 कट गया. T1 दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, ये T1 हो जाएगा केल्विन में बदल के. T2 दिया है, T2 दिया है टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. P2 दिया है, P2 दिया है प्रेशर कितना हो गया 1 bar. और तुम्हें V2 और V1 में रिलेशन चाहिए, मिल गया रिलेशन. तो PV = nRT को, मतलब तुम बॉयल्स चार्ल्स लॉ पे अलग अलग मत जाओ, PV = nRT को समझो कि उसको जगह जगह कैसे लगा सकते हैं, जगह जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसका भी वही मतलब है. देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, किसी भी गैस का खुद का प्रेशर, किसी भी गैस का खुद का प्रेशर. अब ये समझो जैसे यहां पे एक कंटेनर है वी वॉल्यूम का, कंटेनर है टी टेम्परेचर पे, इसमें मैंने गैस भर दी सपोज नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन गैस के पास घूमने के लिए जगह कितनी है, वी. टेम्परेचर कितना मिलेगा, टी, पूरे कंटेनर में. इसी में मैंने भर दी ऑक्सीजन गैस, इसी में मैंने भर दी हीलियम गैस, इसी में मैंने भर दी नियॉन गैस, बहुत सारी गैसेस में भरता चला गया. तो हर एक गैस का अलग अलग क्वांटिटी होगी, सबके मोल अलग अलग होंगे. सबके मोल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन सबको घूमने के लिए सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम मिलेगा. यानी ये सबके लिए क्या होंगे, सेम. एक ही कंटेनर के अंदर हम कह सकते हैं क्योंकि गैसेस पे एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं है,
गैसेस पे एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो उनके मोल भले हम क्वांटिटी तो अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो जगह होगी और जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, और उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो कहा जा सकता है कि जो भी इनका प्रेशर है, सबके मोल अलग अलग है तो सबके अलग अलग प्रेशर भी होंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी में भी एन अलग है तो पी अलग होगा, लेकिन वो प्रेशर एक दूसरे की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होगा। यानी नाइट्रोजन को मैंने अगर भरा इस कंडीशन में, इतना नाइट्रोजन मान लो मैंने 10 मोल नाइट्रोजन के इस कंटेनर के अंदर भरे, तो 10 मोल की वजह से जो प्रेशर आएगा, चाहे बाकी गैस हो चाहे बाकी गैस ना हो, सेम आएगा। बाकी गैस हो चाहे ना हो, सेम आएगा। तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैसेस हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो एक दूसरे पर अफेक्ट ना डाले, यानी कि वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैसेस हैं, तो उन गैसेस की वजह से जो एक दूसरे का प्रेशर लगता है इंडिपेंडेंट होता है, और उसी प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो इसीलिए बच्चों हमारा आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि यदि हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर हैं तो हर गैस अपना अपना प्रेशर लगाएगी बाहर की तरफ, सारी गैसें बाहर धक्का देंगी, कंटेनर के अंदर कोई भी गैस है सब बाहर की डायरेक्शन में जा रही है, तो उन सबका जो नेट एडिशन है वही कंटेनर का बन जाएगा टोटल प्रेशर। यानी कि तुम एक गैस पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, दो गैस पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, सब पे मिला के भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल, टोटल मोल्स आरटी बाय वी। ऐसे पी वन में लिख सकता हूं P1 is equal to N1 RT by V। तो PV is equal to NRT मैं किसी के लिए भी लगा सकता हूं, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो P1 by P total, RT by V तो सबके लिए सेम, is equal to आ जाएगा N1 by N total, और किसी भी चीज के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल को ही कहा गया था चैप्टर 1 में मोल फ्रैक्शन। दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन, राइट। सो P1 विल बी इक्वल टू किसी भी गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन, उस गैस के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ को दो तरह से समझा जाता है, ये वाली फॉर्म में या ये वाली फॉर्म में। एंड दैट इज ऑल अबाउट डाल्टन लॉ। इसको यूज करने का वही है कि अगर तुम इसको डायरेक्टली याद कर लेते तो तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, अदरवाइज तुम बार बार पीवी इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई कर सकते हो, बार बार पीवी इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो ये इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करनी है, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, सबके मास इक्वल है W मान लेता हूं, तो W बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 32, टोटल मोल के लिए ऑक्सीजन के मोल प्लस मीथेन के मोल। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये आ जाएगा 1 बाय 3। यानी टोटल प्रेशर का 1/3 ऑक्सीजन अप्लाई कर रहा है, टोटल प्रेशर का 1/3 ऑक्सीजन अप्लाई करा और बाकी जो बचा हुआ है वो मीथेन की वजह से 2/3 मीथेन अप्लाई कर रहा है। तो हम डाल्टन लॉ को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डाल्टन लॉ को पीवी इक्वल टू एनआरटी की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट सेम आएगा, उससे भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अगली चीज आती है बच्चों जिसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ। अलग अलग साइंटिस्ट ने यही काम किया कि प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर में से दो को कांस्टेंट किया, दो को मिलाया, और उससे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से उन्होंने कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई। तो दिस इज कंबाइंड गैस लॉ। अब हम समझते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट कहां से आया। सो अवर फर्स्ट इज, हमारा जो फर्स्ट होता है दैट इज अवर बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ, थर्ड गेलुसेक लॉ,
एंड फोर्थ इज अवर एवोगैड्रो लॉ। तो ये चार लॉ हैं। जो पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवी लॉ। प्रेशर वॉल्यूम लॉ, बॉयल्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवी लॉ। इसमें क्या होता है, पीवी लॉ का मतलब बाकी चीजें कॉन्स्टेंट है, तो अगर मोल और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर मोल और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे, तो उस केस में अगर देखो वहां से तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, यानी पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। दिस इज अवर बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट्स कॉल दैट कॉन्स्टेंट एज K1, जो हम देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में एनआरटी के बराबर है। किसके बराबर है, एनआरटी के। तो इसी से हम बॉयल्स लॉ में लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। लेकिन हमें कभी भी इन लॉस को अलग अलग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सब हमारे कंबाइंड गैस लॉ के अंदर सब के सब है, तो सबको मिला के लगा लेना है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भारी पड़ता है अलग अलग इंडिविजुअल लॉ पे, अलग अलग इंडिविजुअल लॉ पे। अगर यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया जाए, ऐसे तुम सारे ग्राफ बना सकते हो, 2-3 ही ग्राफ रहते हैं, हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है। तो प्रेशर है वाई एक्सिस पे, वी है एक्स एक्सिस पे। तो पीवी में मैं लिख सकता हूं एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ जो आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा एट अ गिवन टेम्परेचर T1, एट अ गिवन टेम्परेचर T1। और देख सकते हो जो ये कॉन्स्टेंट है एक्स वाई इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ग्राफ बनाओगे, ग्राफ आएगा तो यही शेप, लेकिन वो ओरिजिन से दूर होता चला जाएगा, ओरिजिन से दूर होता चला जाएगा। तो ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, हमें हर लॉस के थोड़े बहुत बेसिक ग्राफ पता होने चाहिए, जैसे पी और वी का पता हो वेरिएशन। ऐसे सेकंड लॉ आता है विच इज अवर चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को हम बोलते हैं वीटी लॉ। क्या बोलते हैं, वीटी लॉ। इसका मतलब अगर प्रेशर और मोल्स को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए, देखो प्रेशर और मोल्स कॉन्स्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जिस गैस के लिए टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम कह सकते हैं वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टू टी, जहां पे अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू देखो तो उस इक्वेशन से आएगी एनआर बाय पी। अगर वी को ले लें वाई एक्सिस पे, टी को ले लें एक्स एक्सिस पे, तो वाई बराबर एमएक्स प्लस सी बन जाएगा, y बराबर mx प्लस c। तो यहां पे अगर ग्राफ देखा जाए vt ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो, तो y is equal to mx मतलब this is a straight line at a constant pressure p। अब प्रेशर क्योंकि स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लाइन टेम्परेचर x की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, स्लोप घटता हुआ दिखाई देगा, टेम्परेचर x की तरफ लाइन जाएगी। So that is our Charles law. Volume negative नहीं हो सकती, volume negative नहीं हो सकती. So this 0 Kelvin is called as minimum temperature, which is absolute zero. क्योंकि volume negative नहीं हो सकती, तो temperature भी negative में, Kelvin temperature भी negative में नहीं जा सकता. तो Charles law से ही ये बात बताई जाती है कि किसी भी gas के लिए theoretical minimum temperature 0 Kelvin हो सकता है, किसी भी गैस के लिए थियोरिटिकल मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है। थर्ड आता है विच इज अवर गे-लुसेक्स लॉ, थर्ड इज अवर गे-लुसेक्स लॉ। दिस इज अवर पीटी लॉ, पीटी लॉ का मतलब प्रेशर टेम्परेचर का डिपेंडेंस बताता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहे, यानी n और v को अगर कर दिया जाए फिक्स, तो p ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, p इज इक्वल टू आ जाएगा k3t। और अगर तुम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को देखो p और t, तो k की जगह क्या बचा, nr बचा और v बचा।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट मोल पे प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम यहां पे ग्राफ बनाएं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अगेन y इज इक्वल टू mx है। चार्ल्स लॉ गे लुसेक लॉ काफी आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ गे लुसेक लॉ में प्रेशर को समझते हैं जबकि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम को समझते हैं। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ ऐसा आएगा, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे स्लोप घटेगा, ग्राफ नीचे गिरेगा। नीचे गिरने का मतलब टेम्परेचर एक्सिस की तरफ गिरेगा, नीचे गिरने का मतलब टेम्परेचर एक्सिस की तरफ जाएगा। एंड अवर फोर्थ लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ विच इज वी एन लॉ, वॉल्यूम मोल्स लॉ। तो वी एन लॉ अगर है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर टेम्परेचर। तो सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज में कुछ चीजें कॉन्स्टेंट थी, दो वेरिएबल और दो वेरिएबल बचते हैं। तो अगर पी और टी कॉन्स्टेंट कर दो सबके लिए, एन सेम कर दो, इसकी लैंग्वेज तो अलग है तो ऐसे देख लेते हैं इसको। तो देखो दो हमने फिक्स कर दिए, तीसरा सेम कर दिया, तीन वेरिएबल अगर कहीं नहीं जाए तो चौथा जा सकता है क्या? तीन वेरिएबल अगर कॉन्स्टेंट कर दिए तो चौथा तो कॉन्स्टेंट हो गया नहीं हो गया? तो एवोगैड्रो लॉ यही बात बताता है कि अगर अलग अलग गैसेस को, अलग गैस हो तो भी सबके इक्वल मोल लिए गए, तो अलग अलग गैसों के इक्वल मोल सेम प्रेशर टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे चारों के चारों एक्सपेरिमेंटल लॉज, जिन पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सोचना है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि बॉयल्स लॉ में क्या है, या इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ का है, कौन सा चार्ल्स लॉ का है, तभी तुम्हें इनको पढ़ना है। नीट वाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट वाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कहना गलत होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब यहां पे हम समझते हैं कि जितनी भी हमने लॉज देखे, एक्सपेरिमेंट देखे, उनके पीछे का थ्योरी क्या है। सो दिस इज काइंड ऑफ मॉडल ऑफ गैस। जैसे हम एटम के मॉडल को समझते हैं वैसे ये गैस का मॉडल होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पे हम समझते हैं कि जो भी हमने गैस पढ़ी लिखी देखी है, जिन पे एक्सपेरिमेंट करके चीजों को देखा है, आखिर उनके पीछे की कहानी क्या है। जब हम कह रहे हैं कि दुनिया में सबके चेहरे गायब हैं, सब इधर उधर भाग रहे, क्यों भाग रहे, सब टकरा क्यों रहे, सब एक दूसरे पे फोर्स क्यों नहीं लगा रहे, ये सारी बातें का रीजन काइनेटिक थ्योरी समझाता है। तो काइनेटिक थ्योरी की कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला, हम मान के चलते हैं कि गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, जीरो। दूसरा, हम मान के चलते हैं कि गैस के पार्टिकल्स की खुद की वॉल्यूम क्या है, ना वो एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ना वो एक दूसरे पे कोई जगह घेर रहे हैं, राइट? यही तो हमने समझा था आइडियल वर्ल्ड में अपने। तो ये जो दो पॉइंट है ना, यही प्रॉब्लम करते हैं। सोचो अगर वो एक दूसरे पे फोर्स ना लगाते तो क्या कभी हम किसी गैस को लिक्विड बना पाते? बिना फोर्स के तो लिक्विड बनेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फोर्स होता है, बहुत कम होता है, बट होता है, जीरो नहीं होता, लेकिन आइडियली माना जाता है, आइडियली माना जाता है। तीसरी, सारे पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, इस मोशन की वजह से, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन है तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ रैंडम इलास्टिक कोलिजन करते हैं, रैंडम इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यानी सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, रैंडम होगी, लेकिन फिर भी वेलोसिटी अलग होने के बाद भी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना ही किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, वो तो फिक्स है, एंड टेम्परेचर पे। KB is nothing but R by Avogadro number. KB is your Boltzmann constant. KB is our Boltzmann constant, जो ये दिखाता है कि किसी भी गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जैसे नाइट्रोजन ले लूं, हाइड्रोजन ले लूं,
दोनों के सेम टेम्परेचर पे पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम। यानी इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग गैस को ले लो, अलग अलग जगह पे ले लो, अलग अलग वॉल्यूम में ले लो, अलग अलग प्रेशर में ले लो, लेकिन जब तक तुम गैस के टेम्परेचर को नहीं बदलोगे, किसी भी एक पार्टिकल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, किसी भी एक पार्टिकल को चुन के निकाल लो, उसकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बदलेगी। हाँ, टोटल अगर निकालना चाहते हो तो टोटल विल बी, सपोज एन पार्टिकल से एन मल्टीप्लाइड बाय एक पार्टिकल की एनर्जी। जब कह रहे हैं एक पार्टिकल के पास इतनी, तो 10 पार्टिकल के पास 10 से इंटू हो जाएगा, 5 पार्टिकल के पास 5 से इंटू हो जाएगा, है ना। तो टोटल के लिए n मल्टीप्लाइड बाय 3/2 kbt, kb को लिख लो, kb को क्या बदल सकते हो, kb को बदल दो, kb हो जाएगा r को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर क्या बन गया, नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर ये बन गया मोल। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा 3/2 nRT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, दो बातों पे, मोल और टेम्परेचर पे, मोल और टेम्परेचर पे। तो एक पार्टिकल वाली सिर्फ टेम्परेचर पे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं पे खेलेगा तुम्हारे साथ, यहीं से खेलेगा। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन पर पार्टिकल पूछा है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन टोटल पूछा है तो वो मोल पे भी डिपेंड करेगी। 5 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, 5 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों के पर पार्टिकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सेम, बट दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, नीट में कई बार आया, ध्यान रखना कि ये हो गई हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पे हम समझते हैं अलग अलग गैसों का बिहेवियर। देन मॉलिक्यूलर स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से अलग अलग स्पीड समझी जाती है गैस की। फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल, देन वी हैव एवरेज, एंड देन वी हैव RMS। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब वो स्पीड जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास हो। यानी अगर मैं गैस के कंटेनर के अंदर हाथ डाल के एक गैस को बाहर निकालूं, तो वो स्पीड जिसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। देखो, सबके पास अलग अलग वेलोसिटी, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, तो कोई ऐसी वेलोसिटी भी होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी, दिख रही होगी, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी उसको कहा गया मोस्ट प्रोबेबल, जो आता है अंडर रूट 2 RT/m। यहां पे क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस जाता है, एवरेज या मीन वैल्यू तुम्हें पता ही है, सारी वैल्यू को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं एवरेज। RMS उल्टा पढ़ा जाता है, यानी पहले स्क्वायर किया, फिर एवरेज लिया, और फिर अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर, एवरेज, अंडर रूट। टी इज अवर टेम्परेचर, एम इज अवर मोलर मास, यानी ये सारी वेलोसिटीज भी, क्योंकि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोशन की तो है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये सारी वेलोसिटी भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेंगी। ये सारी वेलोसिटीज भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेंगी, किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी। हालांकि जैसे देखो तुम, PM इज इक्वल टू रो RT है, PM इज इक्वल टू रो RT है, तो टी बाय मोलर मास इज इक्वल टू लिख सकते हो, टी बाय मोलर मास, RT बाय मोलर मास लिख सकते हो, P बाय रो। जैसे इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो 2 RT/2 R की जगह 2P/ρ लिख सकते हो। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंडेंस आ गई, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो रो चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेंगी ये वेलोसिटीज नहीं बदलेंगी। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे तब तक ये वेलोसिटीज नहीं बदली जाएंगी, कभी नहीं बदली जाएंगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। The kinetic theory of gas predict that the total kinetic energy, total किस पे डिपेंड करती है, गैस के टेम्परेचर पे और गैस के मोल पे, टेम्परेचर और मोल पे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन मोल एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस।
3/2 nRT nRT की जगह तुम चाहो तो PV भी लिख सकते हो। अगर गैस को 300 से 600 यानी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर पर डिपेंड है, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी डबल। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केटीजी का, जो हमें याद रखना है, समझना है। बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड? तो एवरेज वेलोसिटी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं सीधे फॉर्मूला बेस्ड, √8 RT/m। तो अगर टेम्परेचर को डबल किया गया, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, चाहो तो डिवाइड कर लो, वरना ऐसे देख लो एवरेज वेलोसिटी √2 times टेम्परेचर के ऊपर रूट लगाए तो √2 times हो जाएगा, यानी 1.414। एवरेज वेलोसिटी √2 times बढ़ जाएगी या फिर 1.414 times बढ़ जाएगी, 1.414 times बढ़ जाएगी। अब बच्चों समझा जाएगा रियल गैस को कि रियल गैस क्या होती है और रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है। तो बच्चों समस्या यहां पे आ गई कि जब हमने आइडियल गैस के दो अप्रोक्सीमेशन लिए कि आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है या आइडियल गैस के पार्टिकल जगह नहीं लेते, तो वहीं से समस्या आई कि गैसेस के अंदर कहीं ना कहीं PV = nRT से डेविएशन आया। दुनिया हमारी रियल तो हो नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल गैसेस को देखा गया तो जब वो गैसेस कंटेनर के अंदर होती हैं तो बिल्कुल छोटी तो होती हैं, लेकिन कई बार इतनी छोटी नहीं होती हैं या कंटेनर इतना बड़ा नहीं होता है कि हम इनके साइज को निग्लेक्ट कर दें, यानी ये अपने आसपास के कुछ जगहों में अपने फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन जो भी फोर्स है उनकी वजह से किसी दूसरे पार्टिकल को नहीं आने देंगे और इस वजह से हमारी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाइड रह जाएगी। तो जो रियल गैस होती है उसमें कंटेनर की पूरी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं रहती, वॉल्यूम कम रहती है। जो वॉल्यूम अवेलेबल रहती है वो रियल में कम रहती है, ठीक है? इसको अभी लिखेंगे नहीं वरना तुम अपने दूसरी वजह से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमने दूसरे तरह से पढ़ रखा होता है इसे, बट वॉल्यूम कम अवेलेबल रहेगी, ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, जब रियल गैस का कोई पार्टिकल टकराने जाएगा तो आइडियली तो कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन रियल में कुछ ना कुछ फोर्स लग जाएगा। रियल पार्टिकल्स कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन लगाएंगे, इतने भी बेदर्दी नहीं है कि भाई कोई सर फोड़ने जा रहा तो कहेंगे जाओ टकरा जाओ, उसको कहेंगे अरे वापस आ जाओ, क्या जा रहे हो फालतू में, आओ बैठो पत्ते खेलेंगे। तो वैसा कुछ है कि रियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, थोड़ा कम लगाते हैं लेकिन लगाते हैं, यानी हमें इन दोनों में प्रॉब्लम आई, किसमें? प्रेशर और वॉल्यूम में। और इस वजह से कई बार देखा गया कि कई पर्टिकुलर कंडीशन पे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी कि ये इक्वेशन फॉलो नहीं हुई। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी गैसेस जिनके लिए PV = nRT इज ऑलवेज ट्रू, हर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, उनको कहा गया आइडियल गैस। जब नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि रियल बिहेवियर आ गया तो वैन डर वाल ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इंतजाम करके देते हैं, हम प्रबंध करते हैं। तो वैन डर वाल ने प्रबंध किया, उन्होंने कहा प्रेशर में दिक्कत है, लाओ अभी सही किए देते हैं। प्रेशर में क्या दिक्कत है बताओ? वैन डर वाल ने ऐसे ही पूछा, प्रेशर में क्या दिक्कत है? तो लोगों ने कहा जनाब प्रेशर जो रियल गैस का है वो कम है, रियल गैस उतना दबा नहीं पा रहा है कंटेनर को। कोई बात नहीं, लाओ हम प्रबंध करें। तो उन्होंने कहा कि चलो ये लगाया इसमें एक एडिशन वाला टर्म और ये हो गया बराबर, जाओ खुश हो। तो ऐसे करके उन्होंने प्रेशर को करेक्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया सब गैसों के लिए, ए अलग अलग बता दिया उन्होंने कि ए इस गैस के लिए इतना है, इस गैस के लिए इतना है, सबके लिए कैलकुलेट करके भी दे दिया फटाफट। तो ए को बोला गया वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। ए दिखाता क्या है? ए दिखाता है पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। क्या दिखाता है? पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। सोच के देखो, जिस गैस में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा,
अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको उतना पीछे खींच लिया जाएगा, प्रेशर उतना कम लगेगा, और जितना प्रेशर कम लगेगा उतना हमें ये टर्म बढ़ाना पड़ेगा। ये जितना घटेगा उतना बड़ा टर्म ऐड करना होगा, यानी ए बढ़ाना पड़ेगा। तो ए का जो सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ए दिखाता है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। जिस पार्टिकल के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ए की यूनिट निकाल लेना यहां से डायमेंशन एनालिसिस लगा के, न्यूटन मीटर टू द पावर 4, मोल टू द पावर 2। इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको मीटर की पावर 3 रख लो, तो न्यूटन मीटर टू द पावर 4 बाय मोल स्क्वायर आ जाएगा ए की यूनिट। तो जिन पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उनके लिए ए ज्यादा होता है। तो कभी भी अगर ए कंपेयर करना हो, ध्यान रखना जो पोलर गैसेस हैं उनमें डाइपोल फोर्स लगता है, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनमें नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं, डाइपोल की जगह वैन डर वाल फोर्सेस। डाइपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी पोलर गैसेस के अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, पोलर गैसेस का ए ज्यादा होगा। पोलर गैस में भी अगर गैस एच बॉन्ड बना सकती है तो और बढ़िया हो गया भाई, और गहरी दोस्ती हो गई। तो एच बॉन्डेड वालों का ज्यादा होगा उनसे जो एच बॉन्ड नहीं बना सकते। तो पोलर गैस में भी दो टाइप की गैसेस हैं, एक वो जो एच बॉन्ड बना सकती हैं, एक वो जो एच बॉन्ड नहीं बना सकती हैं। तो जो एच बॉन्ड बना सकती हैं उनके लिए ए वैल्यू ज्यादा होगी, उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां पे तुम्हें ए कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हें अमोनिया, CO2 और हाइड्रोजन का ए कंपेयर करना है। तो अमोनिया एच बॉन्ड पोलर भी है, ये केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाओगे अगर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते। अमोनिया पोलर भी है और एच बॉन्ड भी बनाती है। CO2 लीनियर है तो पोलर नहीं है लेकिन बड़ी है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया पे। वैन डर वाल फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो अमोनिया का ज्यादा होगा इन दोनों से कैसे पता, क्योंकि ये पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर है। CO2 लीनियर है, डाइपोल कैंसिल, हाइड्रोजन नॉन पोलर। नॉन पोलर में कैसे देखोगे, सरफेस एरिया से। CO2 बड़ी गैस है, ज्यादा जगह घेरेगी तो ज्यादा एरिया कवर करेगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। फिर वैन डर वाल के पास दोबारा गए लो अपनी दुहाई लेके कि सर सर आपने प्रेशर तो ठीक कर दिया, ये वॉल्यूम भी ठीक करके दो, इसलिए अभी भी PV = NRT काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा लाओ वॉल्यूम भी ठीक करते हैं। वॉल्यूम में क्या दिक्कत थी कि जो रियल गैस है वो कंटेनर की पूरी वॉल्यूम यूज नहीं कर पाते, यानी कंटेनर की जो वॉल्यूम थी आइडियल में तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, अरे ये सिंपल सी बात है, जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उतना माइनस कर दो, जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उतना माइनस कर दो। तो उन्होंने कहा रियल गैस की वॉल्यूम हो जाएगी कंटेनर की वॉल्यूम माइनस NB, जहां पे NB क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। जिस गैस के लिए साइज जितना ज्यादा होगा, जिस गैस का साइज जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा जगह घेर के रखेगी, वो उतनी ज्यादा जगह घेर के रखेगी, उतना ज्यादा हमें माइनस करना होगा। तो बी इज अगेन अ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट जो डायरेक्टली दिखाता है पार्टिकल का साइज। ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट आई, ये डायरेक्टली याद रखना कि बी क्या दिखाता है, गैस के पार्टिकल का साइज। जिसका पार्टिकल बड़ा उसका बी बड़ा, और वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी होता है किसी भी एक पार्टिकल की साइज के वॉल्यूम का 4 times, यानी अगर एक का वॉल्यूम 4/3 πr³ है तो वहां पे वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू 4 times हो जाएगी, 4×4/3 πr³, 4×4/3 πr³। तो अगर इन दोनों बातों को देख लिया जाए तो अब हमारी वैन डर वाल इक्वेशन बन जाती है P plus N² a / v² ये प्रेशर करेक्शन हो गया, V-NB = nRT। इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है लेकिन न्यूमेरिकल में कभी भी यूज नहीं करना है। इस इक्वेशन की कभी भी जरूरत तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने के लिए पड़ेगी। यहां पे A और B क्या है, A और B है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली।
ए दिखाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी दिखाता है साइज ऑफ पार्टिकल, पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर प्रेशर करेक्शन, वी माइनस एन बी वॉल्यूम करेक्शन, कि कंटेनर की वॉल्यूम में से कुछ जगह माइनस करेंगे वही वॉल्यूम रखेंगे। पी वी इक्वल टू एन आर टी में जो वॉल्यूम होती है वो एक्चुअल में दिखाता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन बताई थी ना क्या दिखाता है, वो दिखाता है अवेलेबल स्पेस, कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी स्पेस अवेलेबल है। अब आता है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। रियल गैस सेक्शन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो पहले इसको समझ लो, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। क्या गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें लगता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कंप्रेसिबिलिटी z इज इक्वल टू क्या होता है पीवी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आइडियल। तो z बेसिकली हमें देखो दो चीजों में प्रॉब्लम थी p और v, तो z इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ डेविएशन। z क्या दिखाता है, यहां से थोड़ी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, थोड़ा ध्यान से क्या, बहुत ध्यान से। Z दिखाता है मेजरमेंट ऑफ डेविएशन, कि जो गैस का पीवी है वो आइडियल वैल्यू से कितना ऊपर नीचे भाग रहा है, कितना ऊपर नीचे भाग रहा है। अगर आइडियली बात करें Z को, देखो हम ये भी लिख सकते हैं गैस का पीवी आइडियल गैस के लिए, तो हमेशा पीवी इक्वल टू लिख सकते हैं ना एनआरटी, तो आइडियल वाले पीवी की जगह एनआरटी लिख सकते हो। तो मेन हम इसको यूज करते हैं, लेकिन बात वही है कि गैस का पीवी और एनआरटी को कंपेयर करके हम बेसिकली यही बताते हैं कि गैस आइडियल बिहेवियर से कितना ज्यादा डेविएट करे, कितना आगे या कितना पीछे। तो किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन ये हमें जेड दिखाता है। अब देखो आइडियली जेड कितना होगा, आइडियल गैस के लिए जेड कितना होगा, आइडियल गैस के लिए पीवी और एनआरटी इक्वल होगा, तो आइडियल गैस का जेड होगा 1। यानी रियल गैस के लिए z डेविएट जब करेगा या तो 1 से ज्यादा करेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, या 1 से कम करेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। सही बात है। अभी z को और समझ लेते हैं। देखो पहले ग्राफ देख लो, तो ऊपर वाला है पॉजिटिव डेविएशन, नीचे वाला है नेगेटिव डेविएशन, जब z इज इक्वल टू 1 से ज्यादा है। लो प्रेशर पर z 1 से कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि प्रेशर लगाने से वॉल्यूम घटता है, कंप्रेसिबिलिटी में वॉल्यूम घटता है, तो जिस गैस के लिए z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है, जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है, उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी खुद कम हो जाती है। स्पेलिंग क्या होती है इतनी बड़ी इस नाम की, एक तो इतना बड़ा नाम कि इंसान बोलने में थक जाए ना। तो जिस गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है उसकी खुद की कंप्रेसिबिलिटी अपोजिट है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर is measurement of compressibility but it is not actually compressibility. Compressibility measure तो कराएगा लेकिन compressibility के बारे में directly नहीं बताएगा, inversely बताएगा। क्यों देखो, क्यों देख लेते हैं। मान लो z greater than 1 है, ठीक है, तो PV of gas greater than PV of ideal। सही बात है। अगर दोनों गैस पे same pressure लगाएं, तो दोनों गैस पर अगर सेम प्रेशर लगाए तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल वॉल्यूम से। अब खुद सोचो, कंप्रेस करने का मतलब क्या है, दबाना। तो जिस पे तुमने प्रेशर लगाया, अब आइडियल पे प्रेशर लगाया वो दबते 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 यहां तक आ गए, रियल पे प्रेशर लगाया वो दबते दबते यहां रुक गए, तो ज्यादा कौन दबी, जिसकी वॉल्यूम कम है। ज्यादा कौन दबी, जिसकी वॉल्यूम कम है। तो क्योंकि जेड में वॉल्यूम वाला टर्म सीधे आता है, Z में वॉल्यूम वाला टर्म सीधे आता है, और वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी अपोजिट बातें हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर Z ज्यादा है तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है। Z ज्यादा है तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है। तो हम ये बात बताते हैं कि अगर Z ज्यादा है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है,
जेड कम है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। अब गैस में और आइडियल में अंतर समझो। आइडियल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आइडियल गैस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, गैस में अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो कोई फोर्स नहीं लगा, अट्रैक्शन लगा, हेल्प मिलेगी। तो जब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। पहले ये याद रख लो, फिर से सोचो, अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो हेल्प करने वाला है कौन करेगा? अट्रैक्शन। अगर कंप्रेसिबिलिटी कम मिली तो अपोज करने वाला फैक्टर, अपोज कौन करेगा? रिपल्शन। अपोज कौन करेगा? रिपल्शन। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो ए कम होगा। जेड ज्यादा को पॉजिटिव डिवीजन, जेड कम को नेगेटिव डिवीजन। तो देख सकते हो कि जब गैसों का जेड नीचे होता है वहां पे कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा मिलती है, यानी तब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लो प्रेशर पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं, और अगर जेड की वैल्यू कम है, कंप्रेसिबिलिटी जेड की वैल्यू ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी कम मिलेगी, तो रिपल्शन के फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। लो प्रेशर पे अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, हाई प्रेशर पे रिपल्शन। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं। तो जेड को समझ लो, तो लो प्रेशर पे ज्यादातर गैसों के लिए अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। ऐसा सोचो, एक स्पंज है, एक स्पंज है जिसको तुमने दबाया नहीं, अब अगर तुम इसको दबा दो तो दबाना आसान है या नहीं है? कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, जेड कम, जब तक तुमने प्रेशर नहीं लगाया दबाना आसान है। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और जेड की वैल्यू कम है। अब एक बार तुमने उस स्पंज को दबा दिया, स्पंज को पूरी तरह से दबा दिया, अब और ज्यादा दबाना आसान होगा, मुश्किल होगा? तो एक बार जब तुमने प्रेशर ज्यादा लगा दिया, अब कंप्रेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही दब गया। अब कंप्रेस करना मुश्किल होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। तो लो प्रेशर पे जब गैस पे प्रेशर कम है दबाना आसान है, जब गैस पे प्रेशर ज्यादा है दबाना मुश्किल है। प्रेशर कम में दबाना आसान है, प्रेशर ज्यादा में दबाना मुश्किल है। जब आसान है जेड की वैल्यू कम होगी, जब मुश्किल है जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। जेड और कंप्रेसिबिलिटी अपोजिट काम करते हैं, जेड और कंप्रेसिबिलिटी अपोजिट काम करते हैं। और यहीं से मैं तुम्हें एक दो केसेस समझाता हूं। अगर किसी गैस को लो प्रेशर पे रखा गया तो समझना लो प्रेशर की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगा, और दूसरा किसी गैस को हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर पर रखा गया तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। देखो, जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा है तो हम कह सकते हैं पार्टिकल का साइज इतना मैटर नहीं करेगा। वॉल्यूम ज्यादा है तो पार्टिकल का साइज उतना मैटर नहीं करेगा। प्रेशर ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स मैटर नहीं करेगा। तुमने पहले से जब समझ में आया गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स मैटर नहीं करेगा। पी के कंपैरिजन में ए को निगलेक्ट कर सकते हो, वी के कंपैरिजन में बी को। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल बहुत तेज भाग रहा है, तो अगर मैं भागते भागते निकल के कोई पीछे से आवाज दे रहा देता ही रह जाएगा, मुझे सुनाई नहीं देगा। तो अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो अगेन अट्रैक्शन फोर्स मैटर नहीं करेगा। तो तुम्हें ये दोनों बातों को ध्यान देना है कि किस कंडीशन में क्या निगलेक्ट होता है, किस कंडीशन में क्या निगलेक्ट होता है। लो प्रेशर पे हम पार्टिकल के साइज को निगलेजिबल मान सकते हैं, हाई प्रेशर पे हम या हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल के अट्रैक्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिकल इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वहां पे अट्रैक्शन मैटर नहीं करेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर। बी तो निगलेक्ट हो गया, वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी माइनस एन स्क्वायर ए बाय वी, वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई वैन डर वाल की मॉडिफाइड इक्वेशन। यहां पे देख ले क्या बनेगा, ए निगलेक्ट होगा तो पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू बन जाएगा एन आर टी प्लस एन पी बी, एन आर टी प्लस एन पी बी। अब दोनों तरफ क्या करो, एनआरटी से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ एनआरटी से डिवाइड कर दो। तो देखो इधर क्या बनेगा, एनआरटी से डिवाइड करने पे
पीवी बाय एनआरटी बन गया जेड वन माइनस एन ए बाय वी आर टी। एन ए बाय वी आर टी अगर देखा जाए तो लो प्रेशर पे जेड की वैल्यू वन से कम आ रही है, जो बात हमने अभी मैथमेटिकली दिखाई उसी बात को ग्राफ से वेरीफाई कर चुके हैं कि लो प्रेशर पे जेड वन से होना चाहिए। उसको हम लॉजिकली भी सोच चुके हैं कि अगर गैस पे प्रेशर कम है तो अभी गैस को दबा पाना आसान होगा क्योंकि उसे दबाया ही नहीं गया, जिसको दबा दिया गया उसको और दबाना मुश्किल होगा। यहां पे एनआरटी से डिवाइड कर दो तो पीवी बाय एनआरटी बन जाएगा जेड इज इक्वल टू वन प्लस पीबी बाय आरटी। वन प्लस पीबी बाय आरटी अगेन यहां पे अगर देखा जाए तो जेड इज इक्वल टू वन प्लस, यानी जेड की वैल्यू वन से ज्यादा है, इसीलिए ग्राफ मिलता है लो प्रेशर पे ज्यादातर गैसों के लिए जेड वन से कम है। लो प्रेशर पे अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, लो प्रेशर पे कंप्रेस करना आसान है, हाई प्रेशर पे जेड वन से ज्यादा है, हाई प्रेशर पे रिपल्शन डोमिनेट करता है और हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर पाना मुश्किल होगा, हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर पाना मुश्किल होगा। ये सारी बातें हमें समझनी होती है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली जेड पूछ लेते हैं तो तुम्हें याद होना चाहिए कहां पे कौन सा वेरिएशन है। और सबसे कंडीशनों की महाकंडीशन, मदर ऑफ कंडीशंस, कि अगर मैं दोनों चीजें एक साथ कर दूं, प्रेशर भी कम कर दूं और टेम्परेचर भी ज्यादा कर दूं, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम ज्यादा रहेगी तो बी निग्लेक्ट होगा, टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ए निग्लेक्ट होगा। तो यहां पे हमें पीवी इज इक्वल टू दोनों ए और बी निग्लेक्ट होकर लगभग आइडियल बिहेवियर दे देंगे। तो यहां पे हमें गैस में अप्रोक्सीमेट आइडियल बिहेवियर मिलता है, अप्रोक्सीमेट आइडियल बिहेवियर मिलता है, जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वन के इक्वल हो जाती है, जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वन के इक्वल हो जाती है। बहुत बार इस कंडीशन पे नीट में पूछा जाता है, बहुत बार इस कंडीशन पे पूछा जाता है। जैसे देखो एक गैस है जिसकी मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर है, 20% आप देखो नीट में भी थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया पिछले 2-3 साल से, वरना पहले Z पे बहुत सिंपल आते थे, थोड़ा बहुत JEE जैसे क्वेश्चन आने लगे, तो समझना ज्यादा जरूरी कि हम जो रिजल्ट पहुंचे कैसे पहुंचे, और 5 मिनट का काम है अगर ढंग से समझो तो। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम का मतलब गैस ज्यादा दबी, बस ये बात समझ लो बच्चों कि वॉल्यूम और कंप्रेशन उल्टी बात है, रिवर्स है, जिसका कंप्रेशन ज्यादा हो उसकी वॉल्यूम कम है। तो अगर रियल गैस की वॉल्यूम कम है आइडियल से, रियल गैस की वॉल्यूम कम है आइडियल से, इसका मतलब रियल गैस को ज्यादा कंप्रेस किया गया, रियल गैस को ज्यादा कंप्रेस किया गया, और अगर रियल गैस को ज्यादा कंप्रेस कर दिया गया है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो जेड कम होगा, जेड लेस देन वन, जेड लेस देन वन बी और सी तो गलत। दूसरा, कंप्रेशन में हेल्प मिली तभी तो ज्यादा दबा, कंप्रेशन में हेल्प कौन करेगा, ए, यानी कि अट्रैक्शन डोमिनेट है, कंप्रेशन में हेल्प मिली तो ए हेल्प करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स आर डोमिनेंट, अट्रैक्शन फोर्स आर डोमिनेंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि किस कंडीशन में हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, तो आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। मैक्सिमम डेविएशन के लिए देखो नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, अकेली गैस है जो पोलर भी है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे गैसे एच बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो पोलर के साथ साथ एच बॉन्ड भी है। गैसेस के बीच में खुद के फोर्सेस जितने स्ट्रॉन्ग लगेंगे उतना इजिली वो डेविएट कर जाएगी आइडियल बिहेवियर से। तो जब भी हमें ऐसा देखना ना किसमें डेविएशन ज्यादा है किसमें डेविएशन कम है, हमेशा इसकी बात करेंगे कौन पोलर ज्यादा है और किसमें एच बॉन्ड के चांसेस ज्यादा है, किसमें एच बॉन्ड के चांसेस ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें समझने हैं या तो डायरेक्टली जो अभी हमने केसेस पढ़े थे वो याद होंगे, या लो प्रेशर पे क्या निग्लेक्ट होता है ये याद होना चाहिए। लो प्रेशर पे बी निग्लेक्ट होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, रीजन के साथ याद करोगे तो आसानी से याद रहेगा। लो प्रेशर पे बी निग्लेक्ट होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बी निग्लेक्ट, बी निग्लेक्ट, बी निग्लेक्ट, ए वाला टर्म बचेगा नहीं, यही आंसर होगा। तो इजिली ऑप्शन देख के भी आंसर निकल सकते हैं।
अगले तीन क्रिटिकल पैरामीटर्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. गैसेस को लिक्विड बनाना है. लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, की गैसों को लिक्विड कैसे बनाया जाएगा. तो लिक्विफैक्शन कैसे करते हैं? लिक्विफैक्शन का मतलब हम गैस को ठंडा करेंगे पहले. तो एक मिनिमम टेम्परेचर से ऊपर अगर चले गए, एक टेम्परेचर से ऊपर चले गए तो लिक्विफैक्शन नहीं हो सकता है. उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. पहले गैस को, सोचो टेम्परेचर का मतलब भाग दौड़. किसी चीज को लिक्विड बनाना तो पहले भाग दौड़ कम करनी पड़ेगी, उसके मोशन को कम करना पड़ेगा, तो पहले टेम्परेचर को घटाया जाता है. तो ठंडा करना कंपल्सरी एंड्रू के आइसोथर्म से आता है. इसके बाद प्रेशर लगाया जाएगा. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर लगाया गया उस प्रेशर को बोला गया क्रिटिकल प्रेशर, और उस पे जितनी वॉल्यूम मिलेगी उस वॉल्यूम को बोला गया क्रिटिकल वॉल्यूम. और क्रिटिकल कंडीशन पे अगर हम जेड निकालते हैं तो जेड आता है 3/8. क्रिटिकल कंडीशन पे जेड आता है 3/8. तो ये हमें ध्यान रखना है, जेड इज 3/8. ठीक है, आप समझ लो इस बात को. क्रिटिकल टेम्परेचर हमें बैरियर बताता है कि हम कितना ऊपर तक जा सकते हैं, कितना ऊपर तक जा सकते हैं. सोचो टेम्परेचर अपोज कर, अगर मैं किसी गैस को 5000 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर पाया, 5000 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बना पाया, तो लिक्विड बनाने में हेल्प कौन करता है? अट्रैक्शन. यानी अट्रैक्शन बहुत तगड़े लेवल का है या नहीं है? 5000 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल मतलब गोली की स्पीड से भाग रहे थे, फिर भी मैं लिक्विड बना पाया. क्यों? अट्रैक्शन तगड़ा है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है गैस का अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होता है, और गैस को लिक्विड बनाना आसान होता है उस कंडीशन में. यानी जिस गैस, सपोज एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री है और एक का 20 डिग्री है, तो कम ठंडा करना पड़ेगा 20 वाले को. ठंडा करने से सोचो टेम्परेचर अपोज करता है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है उसको उतना ही कम ठंडा करना पड़ेगा, और उस गैस का लिक्विफैक्शन उतना ही आसान हो जाएगा. उस गैस का लिक्विफैक्शन उतना ही आसान हो जाएगा. जैसे यहां पे देखो, लिक्विड मतलब अट्रैक्शन फोर्स. तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, किस वैन डर वाल कांस्टेंट दिया है, किसका लिक्विफिकेशन सबसे आसान होगा? सबसे ज्यादा ए किसका है? अमोनिया का. सबसे आसानी से लिक्विफैक्शन किसका होगा? अमोनिया का. किसका होगा? अमोनिया का. तो बच्चों ये तो बात हुई हमारी गैशियस स्टेट की, सारी थ्योरीज की. जितना हमारे नीट में काम आता है, डिफ्यूजन तो आता नहीं नीट में, तो जितना नीट एग्जाम में काम आता है सारी थ्योरीज और थोड़े बहुत बेसिक एग्जाम्पल हमने समझे हैं. क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर तुमने अभी तक नहीं की तो अब करोगे, और अब जब हम इसके क्वेश्चन सेशन में तुमसे मिलेंगे तो वहां पे इन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करना भी सीखा जाएगा. तो ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. सारे लेक्चर्स के शॉर्ट फॉर्मूले तुम्हें बनाने हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बनती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन चार्ट बनते हैं. तो केमिस्ट्री के तीनों हिस्सों का अलग अलग तरीका है पढ़ने का. फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़ो, फॉर्मूले तुम्हें सारे याद होने चाहिए. उन फॉर्मूले के पीछे के जहां लॉजिक है, जहां रीजनिंग है, वो समझ में आनी चाहिए. डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रटी भी नहीं है तो चलेगा लेकिन पता होनी चाहिए. तो इसके बाद जब नोट्स बंद करोगे, जिस दिन क्वेश्चन सेशन होगा ना, किसी बच्चे को नोट्स खोलने की इजाजत नहीं होगी ना, सिर्फ पेन पेपर, पेन पेपर. तो क्वेश्चन सेशन में हम और ज्यादा इन क्वेश्चनों को मदद से, चैप्टर्स की जो भी थ्योरी उनको अप्लाई करना, फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे, बट पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट.